हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय हिंद। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती होंगी सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी के रिक्वेस्ट के अनुसार मुझे फिज़ा अकबर खान पे वीडियो बनाना है। वो पाकिस्तानी एंकर है हमारे इंडिया के लिए। वो बोलती है कि इंडिया में मुसलमान खुश नहीं है, उन पर ज़ुल्म हो रहा है। तो उसी के रिलेटेड मैं एज अ इंडियन मुस्लिम सिटीज़न मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में रहकर कैसा फील करती हूँ, क्या करती हूँ। मैं आपको सब कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट बहुत अच्छा लगेगा आपको। नहीं गए ना, वो तो पता है कि झूठा है, मोदी झूठ बोलता है। और मोदी का जो पेड मीडिया, मैं ऐलान कहूंगी कि बीजेपी का पेड मीडिया जो कि हर वक्त बीजेपी के बारे में गलत इमेज बताता रहता है कि बहुत अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नजर आ रहा है कश्मीर में, नजर आ रहा है इंडिया में जो माइनॉरिटी से किया जा रहा है, पता चले कि नरेंद्र मोदी कितना अच्छा है। सब कुछ नजर आ रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोगों के ना गलों पे छुरियां चला सकता है, मजहब के नाम पर तकसीम कर रहा है वो इंडिया की। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरा हुक्मरान पूरे रोहे जमीन पर नहीं हो। नॉन इस्लामिक कंट्री जहां मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है तो पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने पे प्रतिबंध है, रोज़े रखने पर प्रतिबंध है, रमज़ान मनाने के लिए प्रतिबंध है, बुरका पहनने के लिए प्रतिबंध है और दाढ़ी रखने के लिए भी प्रतिबंध किया गया है। नंबर पे आता है म्यांमार। म्यांमार में आप देखेंगे वहाँ पर मुस्लिम आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है और लगभग सारे मस्जिदें वहाँ पर गिरा दी गई है। ये है नॉन इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर यह हालत है, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। पर पाकिस्तानी एंकर जो फिज़ा अकबर खान है उनको सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का दिखता है। आगे भी मैं बता रही हूँ, आगे भी नोट डाउन कीजिए। नंबर पर आता है जापान। जापान में तो इस्लाम ही पूरा बैन है, इस्लाम प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ पर। और वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करना भी कानूनन गुनाह है, अपराध है, वहाँ पर सज़ा मिलेगी। और कोई भी ऐसे मतलब कोई भी देश अगर परेशानी में है या उन पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अगर वो मुसलमान है तो वो जापान वाले उनको अपने देश में आने के लिए अलाउड नहीं करते हैं, उन पर प्रतिबंध है, ये बैन लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को चेतावनी दे दी गई है कि आप यहाँ के कानून मानो या फिर देश छोड़ो। उन पर ये कानून लागू कर दिया गया है कि आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को मानना होगा, बेफालतू में कुछ भी करना नहीं है, अपने मनमानी से यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो भी है उसको मानो या फिर देश छोड़ दो। ये है ऑस्ट्रेलिया का कानून। पाँचवें नंबर पर देखिए क्या है। छठे नंबर पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है एंड उनसे नफरत करता है। छठे नंबर पे आ जाता है अमेरिका। अमेरिका तो आपको पता ही है कि मुसलमान का नाम सुनते ही एयरपोर्ट पे उनका पूरा तलाशी लिया जाता है, उनको पूरा नंगा कर दिया जाता है। मतलब खास करके ग्रीन पासपोर्ट देख के तो और भी उन्हें नंगा कर दिया जाता है। तो ये है इज़्ज़त और वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है, उनकी आज़ादी ही नहीं है। तो आप देख सकते हो। तो फिज़ा अकबर खान आप कहाँ हो? आपकी तो कोई चलेगी ही नहीं क्योंकि आपके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है, राइट? तो आपकी भी इज्जत उतर जाएगी वहाँ जाओगे तो। आपको आपका अंडरवेयर भी चेक करवाना पड़ेगा वहाँ पर, इतना कड़ा रूल है, रेगुलेशन है वहाँ पर, खास करके लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है और कड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप एक बार जाके देखिए, पता चलेगा। इज़राइल मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है और ईंट का जवाब पत्थरों से देता है, वो इतना ख़तरनाक है, सब डरते हैं उससे। और फिर लास्ट नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका का तो आपको पता ही है, वहाँ पर बुरका बैन किया गया है, मस्जिदों में भी चेकिंग करके भेजा जाता है, हर एक जगह उनको चेकिंग किया जाता है, तब जाकर उनका कुछ काम आगे बढ़ता है। मतलब मुस्लिम्स लोगों का कंडीशन इतना, आज़ादी छीन लिया गया है। ये नॉन मुस्लिम कंट्री की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं करूँगी बात मुस्लिम कंट्री की, वहाँ पर हालात कैसे हैं। हम
हम बात करते हैं इस्लामिक कंट्री की। इस्लामिक कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर मुस्लिम कैसे रहते हैं? आपको क्या लगता होगा कि वहाँ पर मुस्लिम बहुत खुश है, उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है, बहुत ज़्यादा झुंड में है तो बहुत ज़्यादा एकता है उनमें? नहीं, आपकी ये गलत फहमी। तो पहले नंबर पर मैं एग्ज़ाम्पल देते हुए बताऊँगी पाकिस्तान। पाकिस्तान में आए दिन हर साल दंगे होते हैं सुन्नी शिया के बीच में। वहाँ पर अहमदिया मुस्लिम का कत्ले सरेआम कत्ल किया जाता है हर साल। वहाँ पर 4,000 से भी ज़्यादा सुन्नी शिया के बीच में लोग मरते हैं, अहमदिया मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो ये है कंडीशन इस्लामिक कंट्री का। सेकेंड कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रोज़ाना वहाँ पर बमबारी होती रहती है, वहाँ पर फुल मेजॉरिटी मुस्लिम की है, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर भी हमेशा बम धमाके होते रहते हैं। आए दिन आप न्यूज़ में सुनते रहेंगे वहाँ पर लोग मरते रहते हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम ही मरते हैं वहाँ पर। और सेकेंड चीज़ इराक़ का ले लो, इराक़ में भी बहुत सुन्नी शिया को लेकर बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बॉम्ब गिराया जाता है, उनको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। तो मुस्लिम मुस्लिम को ही मार रहे हैं। तो ये इस्लामिक कंट्री का कंडीशन। रोहिंग्या मुस्लिम इतना, बर्मा के मुस्लिम इतना परेशान रहते हैं, वहाँ पर आए दिन बम धमाके होते रहते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम कंट्री में तो उनकी हालात ठीक है, एटलीस्ट खुद चैन और शांति से अमन से जी तो रहा है, पर इनका इस्लामिक कंट्री में तो डायरेक्ट मौत दी जा रही है। तो इतना ख़तरनाक सिचुएशन है उनका। अब मैं आती हूँ इंडिया के मुसलमानों पर, फिज़ा अकबर खान, ये वीडियो आप ही के लिए है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मैं बना रही हूँ, हिंदुस्तान के लिए बना रही हूँ। और आपको रिप्लाई देते हुए कि हम यहाँ पर कैसा फील करते, कैसा लगता है हमें, हम कैसे रहते, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिज़ा अकबर खान जो पाकिस्तान की एंकर है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत परेशान है, उनकी हालात बहुत ख़राब है। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान है तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और हमारे जो सैफ अली खान हैं वो बॉलीवुड के किंग ना होते। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है तो जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है उनमें ज़हीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान और मोहम्मद शमी खेल रहे नहीं होते, उनको सर हाँकों पर नहीं बिठाया जाता। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हमारा जो हिंदुस्तान में राफेल आया है, जो हाल ही में आया है अगस्त इसी मंथ में, तो वो हिलाल अहमद जी को नहीं दिया जाता, उनको ये मौका नहीं दिया जाता कि वो राफेल को उड़ा सके। तो ये भेदभाव हमारे देश में नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो वो मुस्लिम पायलट को ज़रा भी चांस नहीं देते कि तुम जाओ और ये चीज़ करके और हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही, तो हिंदुस्तान में 30,000 से भी ज़्यादा मदरसे नहीं होते। अगर हिंदुस्तान में भेदभाव किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, तो हिंदुस्तान में 3,00,000 से भी ज़्यादा मस्जिदें अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जितना पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, मदरसे नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मस्जिद और मदरसे हमारे हिंदुस्तान में हैं। अगर मुसलमानों को इक्वल राइट और हक नहीं दिया जाता तो वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पाते, उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है हमारी सरकार, बट नहीं, उनके भी आस्था को मद्देनज़र रखते हुए उनको भी इक्वल हक दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इक्वली बैठ के पढ़ाया जाता है, जो हिंदू को पढ़ाया जाता है, जो सिख को पढ़ाया जाता है, जो ईसाई को पढ़ाया जाता है, वो मुसलमानों को भी पढ़ाया जाता है। हमारे देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वलिटी मिलती है, उनको रोज़गार दिया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको हमारे देश के नौजवान ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और हमें अब्दुल कलाम जैसे भगवान के रूप में इंसान मिलते हैं, जो हमारे देश के नाम को ऊंचाई पर पहुंचाते, बुलंदियों पर पहुंचाते। तो अब मैं बात करती हूँ पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों में खुद बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में इतने लोग परेशान हैं कि इंडिया से हेल्प मांग रहे,
हर सांस में बलूचिस्तान के हर सांस में हर चीज़ में हिंदुस्तान का नाम बसा है, हिंदुस्तान से हेल्प मांगते हो और आप लोग बोलते हो हमें कश्मीर चाहिए, आप लोग बोलते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। अरे काय का परेशान है, हर जगह इक्वालिटी का हक दिया गया है। मैं खुद हूँ, मेरे देश में बुरका बैन नहीं है, बुरका पहनो कुछ भी करो, इतना हक है कि हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास इतना फ्रीडम है, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम ये संविधान है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिज़ा अकबर खान, आपके देश में हिंदुओं की कोई मान्यता है, हिंदुओं की कोई सुनता है? नहीं, हमारे देश में हर एक लोगों का सुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्युलरिज्म है, सब सेक्युलर के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपका इस्लामिक कंट्री है, आप इस्लामिक कंट्री में आप लोग किसी को इज्जत नहीं देते हो, अदर कम्युनिटी के कास्ट को। आपके देश के मौलाना जो आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी हिंदू है वो उनके जूती की नोक में है, तो आप लोग ये इज्जत रखते हो। और हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गले मिलकर हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर भेदभाव होता तो यहाँ पर अलग से यूनिवर्सिटी नहीं बना के दिया जाता, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उनको अलग से बना के नहीं दिया जाता, अलग से मदरसे नहीं दिए जाते, अलग से मुस्लिम स्कूल नहीं दिए जाते, जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, उर्दू लैंग्वेज भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमारे हिंदुस्तान की खास बात ये है कि हर किसी का त्यौहार हो, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, सिख का त्यौहार हो, ईसाई का त्यौहार हो, हम पूरे देशवासियों को हॉलीडे मिलता है, छुट्टी मिलता है, ऑफिशियली गवर्नमेंट छुट्टी दी जाती है। तो ठीक है, तो फिज़ा अकबर खान, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा, एक सच्ची हिंदुस्तानी शेरनी ने आपको दिल खोल कर जवाब दिया और प्रूफ के साथ बता रही हूँ मैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिस किसी ने भी ये वीडियो एंड तक देखा है, आई होप उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये थी आज की वीडियो, और इंडिया की जो मुस्लिम गर्ल है शबनम शेख, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, और फिज़ा को उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि जब बात फैक्ट्स पे होती है, फिगर्स पे होती है, तो बात में दम आता है। पूरी दुनिया में अगर हम बात कर ले, कोई भी ये इस तरह के बुरे अल्फाज नहीं बोलता, ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पाक मीडिया से ही आती है। जी इंडिया के मुसलमानों के होना बहुत सताया जा रहा है, और हम उनके दर्द में उनका साथ दे रहे हैं। जो ये बोलते हैं वहाँ के मुस्लिम बेचारों को पता ही नहीं होता यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, और इंडिया के मुसलमान इतनी गालियां देते हैं ना इनको, वो कहते हैं खुद तो दो वक्त की रोटी तुम लोगों के पास है नहीं, खुद तुम्हारी हुकूमत ने तुम लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, बड़े चले आए हमारी बात करने वाले, पहले खुद को तो पेट भर के खा लो रोटी। जब ये बोलते ना कि यहाँ जैसे वीडियो में बता रहे थे कि जो वहाँ के मुस्लिम है यहाँ पे आए हम उनको रखेंगे, वो कहते हैं हम यहाँ पे आके भूख का सामना करना पड़े, आटा इतना महंगा, चीनी उतनी, इतना मुल्क नहीं है इंडिया में, 27 करोड़ कोई कहता है 27 करोड़ मुसलमानों को इतने से पाकिस्तान में एडजस्ट करवा लोगे, बात वो करो जो पूरी होने वाली हो। अब जैसे हमने चाइना की बात की, जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो देखा काफी अच्छा वैसे रिप्लाई था इनका ना, मतलब फिज़ा अकबर खान, आपको पता है कि वो ना पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है फिज़ा अकबर खान, वो उनका काम ही यही है कि वो ना, मतलब आपको पता है कि अभी पैसे ही उनको इस चीज़ के मिलते हैं कि वो शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए, जब तक वो ये नहीं बात बोलेंगी कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, उनके शो को रेटिंग मिलेगी ही नहीं। उनके शो का नाम भी शायद इसी तरह से है, कुछ भारत और पाकिस्तान का टाकरा ऐसा कुछ टाइप का ना। चीज ये है कि इंडिया में भाई हमने बहुत से मुस्लिम्स की वीडियो देखी है, वो तो बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छे से कारोबार कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज, आपको पता क्या है आमिर खान, सलमान खान, ये कैसे फिर स्टार बड़े स्टार कैसे बन गए, अब्दुल कलाम जी जिन्होंने मतलब के वो इतना बड़ा नाम किस तरह से उनका नाम इतना बड़ा बन गया, जो अगर फर्ज करें उनको इतनी रिस्पेक्ट ना दी जाती हो इंडिया में, उन पे जुल्म किया जाता हो, तो फिर इतने बड़े लोगों को, मतलब हमने जो किंग खान है वो भी मुस्लिम है, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, और भी अगर उठा के देखो तो आपको बहुत ज्यादा एक्टर्स ऐसे, लेकिन अभी बिल्कुल काफी मुसलमानों को उधर काफी ज्यादा हरे राइट्स मिलते हैं, लोग सेना। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में एक बात जैसे उन्होंने बीच में कही है कि उतनी ज्यादा मस्जिदें पाकिस्तान में नहीं है, जैसे मुस्लिम किसी कंट्री में नहीं है जितनी इंडिया में है, और उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम रह रहे हैं वो इतने ज्यादा सेफ रह रहे हैं कि वो यहाँ पे फ्रीडम के साथ
इवन के रोड के ऊपर नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि आपको मस्जिद के अंदर अगर जगह कम पड़ी है तो रोड के ऊपर भी वो नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे इन्होंने बीच में कहा है कि बहुत सारी अगर आप कंट्रीज में देखें वहां पे जो मुस्लिम है उनको उनके उतने राइट्स नहीं मिलते जितने इंडिया में इंडियन मुस्लिम को उनके राइट्स मिल रहे हैं। एजुकेशन लेवल से देख लें जो है इंडियन मुस्लिम बच्चे सबसे आगे आपको नजर आएंगे। जहां पे इंडियन बच्चे रह रहे हैं वहां पे इंडियन मुस्लिम बच्चे भी आपको वहीं पे नजर आएंगे। मतलब कि सभी को इक्वल रखा जाता है और कोई भी मतलब कि उनके अंदर ऐसा नहीं रखा जाता कि तुम मुस्लिम हो तो तुम पीछे खड़े हो, मैं इंडियन हूं तो मैं आगे खड़ा हूं। मतलब सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। और एक चीज जैसे इन्होंने बीच में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का बताया और साथ ही साथ इन्होंने वीडियो वो खत्म होगी। हम देख रहे थे शबनम शेख जो थी वो फिजा खान को बड़ा करारा सा एक जवाब दे रही थी। वो कह रही थी कि जो आप कहती रहती हैं, मतलब आप नहीं जो तुम कहती रहती हो ना कि भारत के अंदर मुसलमान खुश नहीं है, यार ये फिजान का ये जो रोना धोना ना कि मुसलमान खुश नहीं, मुसलमान खुश नहीं, बीजेपी वाले खुश नहीं, वो बीजेपी वाले कह रही हूँ पीओके वाले खुश नहीं, बीजेपी कहाँ से आ गए आज कुछ ज्यादा ही नहीं सामान स्लिप कर रही है। तो मतलब ना जो कहती रहती है कि मतलब आजाद कश्मीर अच्छा वो जब कहती रहती है कि मतलब कश्मीर वाले खुश नहीं है, वहां पर जुम्मो सितम होते हैं, मतलब इस तरह का उसको लगता है कि सारे खुश ही नहीं है। तो शबनम शेख ने उसको बहुत अच्छा करारे वाला जवाब दिया कि मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है, इस्लामिक कंट्री है उनमें बहुत कुछ हो रहा है जो वो तुम्हें नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ भारत के पीछे पड़ी हुई हो और सिर्फ भारत का कहती रहती हो, यहाँ पे रहने वाला मुसलमान जो है वो खुश नहीं है। तो फिर उन्होंने इतने ज्यादा पॉइंट्स भी बताए शबनम शेख ने कि ये देखो ये ऐसा हो रहा है यार, इतनी ज्यादा मसाजिद 3 लाख से ऊपर मसाजिद भारत के अंदर है, मतलब आजादी है लोगों को, सब कुछ तो हो रहा है। बहुत अच्छी इन्होंने क्रिएट की है और अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और अपने हिंदुस्तान की मतलब तारीफ की है। जाहिर है वहां के मुसलमान का यही तो मैं कहता हूँ कि वतन अपना क्या कहते हैं हिंदुस्तान है, तो वो तो अपने वतन को ही सपोर्ट करेंगे और ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है और मुसलमान है और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। वो पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वहां के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो ये तो नहीं होता ना, ठीक है अपने घर ऐसा कुछ नहीं होता। और जाहिर है कि जो अपना इंडियन मुस्लिम है वो तो इंडिया मुस्लिम जो है वो तो उनका जो मुल्क है वो तो इंडिया है, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों के पता नहीं क्या मचल दी है कि इंडियन मुस्लिम की बहुत उनको याद तड़पाती है, तो उनका दुख बहुत ज्यादा होता है जब खुद इंडियन मुस्लिम जो है वो आके कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती फिर किस